सिंगरौली जिले के ओटगढ़ी ग्राम पंचायत में विद्यालय आंगनबाड़ी एवं रोड की समस्या देखने को मिली। लोगों द्वारा बताया गया कि हिंडा लको कंपनी की वजह से प्रदूषित जल एवं पर्यावरण होने की वजह से आए दिन ग्रामवासी सहित छोटे बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को विद्यालय से भी वंचित रहना पड़ता है। बात करें इस गांव के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 का तो बिल्डिंग का बुरा हाल है। बीमारियां हो रही है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? जी सर, हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी विकट समस्या है, पानी की, खासकर पानी अशुद्धि की समस्या। अभी 3-4 साल पहले लगभग एक यादव जी आए थे जो पर्यावरण में पानी चेक ऑफ करने का, तो आरक्यू चेक किए थे। यहाँ का आरक्यू प्लस 900 जा रहा था। उन्होंने तो ऐसी संभावना व्यक्त की कि इस पानी को पी के आप लोग कैसे जी रहे हैं। इसके साथ ही साथ हिंडाल्को कंपनी आने के बाद तो और ये समस्या बिकट हो गई है। हमारे बच्चे आए दिन बीमार होते रहते हैं, जिसके कारण विद्यालय भी नहीं आ पाते। इनके पठन पाठन को मतलब प्रभावित हो रहा है लगातार। साथ ही हमारी जैसे आंगनबाड़ी आप देख रहे हैं, विगत 2 वर्षों से यहाँ बंद पड़ी हुई है। इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो सुविधाओं से वंचित है, ना तो उनको शासन की किसी योजना का लाभ मिल पा रहा है, ना तो विद्यालय की प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। ये विगत 2 वर्षों से कहाँ संचालित हो रहा है इसका कोई पता नहीं है। कहीं अन्यत्र सुनने में आ रहा है कि संचालित किया जा रहा है, लेकिन किसकी अनुमति इसकी जानकारी अपने यहाँ नहीं है, हम जनता को नहीं है अपने क्षेत्र की। साथ ही सर, बच्चे हमारे जो हैं हिंडाल्को कंपनी के द्वारा इनको किसी प्रकार का कोई सुविधा आज तक प्रदान नहीं की जाती, जबकि ये सब लगभग 90% बच्चे हमारे विस्थापित हैं, विस्थापित परिवार से हैं, लेकिन इनको किसी प्रकार का कोई ना तो सुविधा दी जा रही है ना कुछ। मात्र इस कंपनी के आने से इनको प्रदूषण, प्रदूषित हवा, प्रदूषित खाना, प्रदूषित पानी उपलब्ध हो पाया है। इसके अलावा कोई भी सुविधा इनको प्राप्त नहीं हुई आज दिनांक तक। साथ ही आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में 2 प्राथमिक शालाएं संचालित थी, एक ममरी गांव गोलगढ़ी और एक प्राथमिक आदिवासी बस्ती गोलगढ़ी के नाम से, उसी में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित था। कंपनी के द्वारा एक विद्यालय बनाकर खाना पूर्ति कर दी गई, उसी में दोनों विद्यालय का नाम लिख दिया गया, जबकि पूरे क्षेत्र की दूरी उस दायरे की लगभग 4-5 किलोमीटर होती है, जिसके कारण बच्चे वहाँ छोटे छोटे बच्चे जाना संभव नहीं उनके लिए। इसलिए सर उस आदिवासी बस्ती गोलगढ़ी को एक निजी मकान में मजबूरन संचालित करना पड़ रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 5 भी उसी के साथ संचालित है, वो भी निजी भवन में संचालित हो रहा है। ना तो कंपनी का इस ओर कोई ध्यान है, ना तो शासन प्रशासन का ध्यान है, जबकि आज प्रशासन शिक्षा को इतना आगे ले जाने के लिए अनेक नित्य रोज नए प्रयोग कर रही है, नई नई योजनाएं ला रही है, लेकिन हमारे क्षेत्र के बच्चे उससे वंचित हैं। उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, उनको बैठने के लिए स्थान नहीं, और ना तो उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो पा रही है।